8 किलो दही का 4 किलो बना के किए पता है। ये ले रहा है फोटो जो भेजेगा किसी को। हाँ बेटी का पैंट सेम सेम है। कैसा? हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अंकिता। अभी मैं आपसे बात करूँ और देखिए मेरा भाई कैसे नहा के है। बाल कंघी भी नहीं करता। ये लो आ जाओ। चलो हैप्पी मकर संक्रांति। थैंक यू सबको। हैप्पी मकर संक्रांति। हैप्पी मकर संक्रांति। और हम यहाँ पे अभी सब्जी बना रहे हैं। क्या बनाएंगे? इतना सारा बैंगन का कलौंजी, राई लहसुन वाला कलौंजी आपको पता होगा। तो मसाला हम सब पहले ही ग्राइंड कर लिए थे और हम लोग सब नहा चुके हैं। तो ढेर सारा बनाएंगे। और ये तुम और ये तो ये क्या हो रहा है? ये घर का नहीं है, ये सिलवा काला सील है। सिलवा नहीं, क्या बोलते हैं इसको, सील पट्टी है। हमारे से ऐठा मिलता है। हाँ, बट ये बहुत मोटा है, इसका जस्ट हाफ रहता है। ऐठा भी मिलता है ऐठा वाला, पटना का ही तो है, यहाँ नहीं मिलता है। ये तो बोलेंगे घर का ही है ना। और खा बेटा, खा रहे हो तुम्हें? तुम्हें खा रहे हो? कैसा लगा? अच्छा लगा। और मेरा भी बेटू का पैंट एक सेम सेम है। हाँ हाँ, बेटे का पैंट सेम सेम है। कैसा लग रहा है? अच्छा, थोड़ा अलग है ना कलर, थोड़ा कलर अलग है, पैटर्न सेम है। ये प्रिंट है जो पैटर्न सेम है। चलिए यहाँ पे हम समूचा आलू ऐसे करके फ्राई कर देते हैं। तो इसका हाफ हाफ करवा दे, पहले करना चाहिए था लेकिन बोटिंग बन गया ना, तो निकल रहा है, अभी निकल रहा है। और यहाँ पे कटिंग हो रहा है, ये कट फ्राइड आलू का। क्या हुआ? और ये सूवी क्या हुआ बाबू? बैंगन तो अलग होगा ना फ्राई। बैंगन इसका कलौंजी बनाएंगे। सारा मसाला सब सब ग्राइंड किया हुआ। ये है टमाटर, टमाटर बस टमाटर। अरे टमाटर इसमें भी जाएगा, बैंगन भी जाएगा। और ये गरम मसाले, ये गरम मसाले, ये है राय लहसुन का जो बैंगन के लिए। और दो दो सब्जी बनता है, एक आलू गोभी मटर, एक बैंगन का, बैंगन का। और ये प्याज समूचा डलाएगा क्या? नहीं रे, काटेंगे समूचा काट। चलाओ काट देते हैं। और यहाँ पे आलू का कटिंग। सूज पहनना बाबू, ये देखो बाबू अपना सूज लेके आ गए। पहना दे रहा हूँ, पहना दे रहा हूँ। पार्क जाने के लिए, पार्क जाना है बाबू को। तो यहाँ पे गोभी फ्राई हो चुका है, देख सकते हैं। और यहाँ पे प्याज और डल चुका है और यहाँ पे टॉपिंग हो रही है। इसी में जो बहुत कुछ हो गया यार। क्या क्या क्या? बाबू का हाइट मेजर किया है। बाबू का हाइट हम लोगों ने मेजर किया 3.5 फीट का। 3.5 फीट का इसी को बोलते हैं। फीट का नहीं, 3.5 फीट बोले। अरे बोला जाता है कि 3.5 फीट है, ये आदमी नेगेटिव बोल रहा है। बाबू मेट्रो में जाएगा ना। हाँ। उसको उसके उसका भी चार्ज लगेगा, वहाँ पे रहता है ना, 3 फीट का हाइट। हाँ, है तो हाँ। उसके लिए नो चार्ज। हाँ, वो तो अभी भी नहीं, देखो दिक्कत नहीं है। गोद में उठा लोगे, कौन नापने जाएगा? अभी देखिए हमारा बर्तन पूरा फुल हो गया आलू और गोभी से। अब यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम ये है कि कैसे बर्तन को इधर से उधर मैनेज किया जाए ताकि सारा सब्जी यहाँ पे आ जाए। तो अभी बैंगन का तो अभी बनना बाकी है। बैंगन तो चलो, आलू डला गया, आलू अंदर है। अच्छा, सब्जी सारा डल चुका है, मसाला तैयार होकर। हाँ? तो पूरा भर गया ना। भर गया, चलाने में भी नहीं बन रहा। टूटेगा नहीं, स्टिल अभी बैगन का पेंडिंग है। वो बेर पसंद आ रहा है। और मैं बेर खा रहा हूँ, आप लोग भी खा लो। आप लोग भी खा लो मीठा बेर। और पानी आ गया यार इसमें, बोल रहा हूँ नहीं आ पाएगा। ये दूसरा का उसका मेरा काम कर दो। है तो क्या हुआ, तुम अलमुनिया वाले में कर लो। नहीं नहीं हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, टूटेगा इसमें। मटर मटर डालें? अरे यार डालना नहीं, हम बोल रहे हैं। और ये डल चुका है,
बनता दूध डाल लेगा, दूध कितना जितना लेना है डाल लो। दही इसमें है ना, ये तो रहा, वो तो दीजिए। ये चूड़ा में बासमती चूड़ा है ये, और इसमें जा रहा है दूध। अरे है गुड़ का, क्या बोलते इसको, ये है मस्का, ये वाला मस्का है। नहीं नहीं, ये तो हम लोग को ले जाने के लिए है ना, हो जाएगा उनका दही नहीं जमाता, जमा मंगवा भी लिए हैं। और ये तिलपट्टी है, उजला तिल, ये है काला तिल, ये है बैंगन का भरता, भरता है तुमको कलौंजी, हाँ बीच में डालिए। और आप देख सकते हैं दही, दही जो एकदम रेड हो चुका है घाट घाट के। हाँ इस बार कलर बढ़िया आया ना दही का, और मेरा दही देखिए बहुत बढ़िया से जम गया है, शाम को ही जम गया था। और दीजिए ना, ले लो और लेना। हाँ अब हो गया, अब भूरा इस पे डाल दीजिए, ये मेरे पतिदेव जिस हम लोग मिल के सर्व कर रहे हैं मेरे लिए, थोड़ा ये, हाँ इसके थोड़ा ये, हम कुछ नहीं लगाए थे उसके बाद भूरा पहले बाहर बैठो जी। चलो तो खाना इतना हो गया सर्व, अब चला जाएगा बाहर, ये ले रहा है फोटो जो भेजेगा किसी को। क्या बोल रहे हैं ब्रदर, ये रहा आलू दम मेरे भाई का, स्पून तो देना भूल गए, स्पून लेके आते हैं। ये खाएगा बालकनी में धूप में है ना जी, हैं इसके लिए आप खाइए और बताइए। दही पता नहीं कैसा है, देखो खट्टा वट्टा तो नहीं हो गया, ऐसा खट्टा तो होना नहीं चाहिए, हल्का है क्या खट्टा, दही खट्टा हो गया, हल्का था, ओह लेकिन है टेस्टी, क्रीमी लग रहा है। ये 8 किलो दही का 4 किलो बना के किए हैं पता है, क्रीमी है, क्रीमी बहुत ज्यादा नहीं लगा क्योंकि इसमें से क्रीम हम और निकाल भी लिए थे इसलिए कम क्रीमी है ये उसके लिए घी बनाया है उसका, जो तुम बॉटल में देख रहा होगा ना ऊपर वाला लेयर, इसी का निकाल के कर दिए। क्रीम कैसे निकाल ली इसमें से बिना दही का, अरे दूध उबाल के फ्रिज में डाल दिए एक दिन और नेक्स्ट डे निकाल दिए क्रीम। सब्जी खा के बताओ ना कैसा सब्जी, सही सही बताना, ये नहीं खाली वीडियो के लिए बता देना। हाँ वैसे दही के बारे में तो तुम सही ही बताया कि चलो खट्टा है थोड़ा, तो ये चीज़ अच्छा लगा मेरे को। कैसा है नमक इसमें जाएगा, टेस्ट सही है, हल्का सा नमक जाएगा। तो अब खाना बना के अपने भाई को खाना वाना खिला के ना फिर हम लोग नीचे आ गए थे लंच के लिए एक साथ खाने के लिए। मैंने अपने भाई को भी बोला लेकिन उसने फिर मना कर दिया था कि आप लोग जाओ मुझे नहीं जाना, वैसे भी जानता नहीं लोगों को, एक दो बार मिला है बट वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। तो फिर हम वैसे भी उसने खा लिया तो हम लोग आ गए फिर नीचे, काफ़ी टाइम लग गया था हमें खाते हुए, तो बहुत ही हम लोग मज़े किए थे। और ये बोन फायर तो हम लोग हमेशा करते हैं सर्दियों में, जब भी हमें कुछ पार्टी शार्टी करनी होती है तो चलो यार चलो आग जला लो फिर खाओ, तो अभी तो हम दोपहर में ही आग जला रहे थे। ओ चेंज कर दिया क्योंकि लोग ऐसे बेच देते हैं, जलने वाला है, हां जलने वाला है, आप बैठ जाओ उधर, उधर बैठ जाओ, बिल्कुल जलेगा बेटा, तुम्हारा हाथ पैर सब गर्म हो जाएगा। आग जल गई, खाएंगे। कैसा लग रहा है सिट्टू बेटा, छोटे बच्चे छोटे चेयर पे, स्मॉल बच्चे नहीं, स्मॉल बच्चे तो नहीं बोल सकते, तिल के दाल बड़े कैसे, मम्मी से मैचिंग कपड़े पहने हैं। हाँ हम दोनों कभी कभी मैच कर लेते हैं, हाँ थोड़ा मैच कर रहे हैं, हाँ ये डार्क है ना, ये थोड़ा लाइट है, इतना सारा हो गया। हाँ बेटा आप इधर क्या कर रहे हो सोना बच्चा, शादियों में स्टोल लगते हैं, हाँ स्टोल लग रहा है ना, वैसा लगा अभी तो जैसे एक साल होने वाला है इनका, हाँ सही बात है, ये काफी अच्छा लग रहा है। तो स्वीटहार्ट क्या कर रहे हो बेटा, अरे भाई कौन सा प्लेट उठाया है मैम वाला, अरे ये मैं लेके आई हूँ ना सबके लिए, ये वाली 8 प्लेट है, हम ऐसे काउंट करके ही ले गया है। माचिस ले लो,
क्या चाहिए बिट्टू? आग ही नहीं जल रही। क्या हुआ? मंथ एंड तक आ जाना चाहिए। लीजिए लीजिए ना स्पून भी एक था, डिस्पोजेबल स्पून लाया था ना। और यहाँ देखिए आग जलाने के बाद ना एक्चुअली किसी को आता नहीं था जलाना, तो एक बार जल गया उसके बाद बुझ गया था और उसका धुआं धुआं ही हो रहा था। तो यार सबके आंखों में बहुत लग रहा था, हम लोग चेयर कभी इधर शिफ्ट कर रहे हैं कभी उधर शिफ्ट कर रहे हैं कि धुआं इधर आ रहा है उधर आ रहा है, बट हम जिधर जा रहे थे धुआं उधर ही आ रहा था। तो चलो फिर भी हमें बहुत मज़ा आया, साथ में हमने खाया। और दोपहर के खाने के बाद फिर हमने रात का जो डिनर है ना, हम वो भी एक साथ ही हमने किया था। फिर उसमें पालक पनीर पराठे और क्या कहते हैं उसको, सरसों का साग, मक्के की रोटी, बहुत सारा वैरायटी हो गया था। तो हम जब भी सोच रहे हैं कि यार हमारा तो बहुत ही लिमिटेड वैरायटी है, और देखिए प्लेट कितना सुंदर लग रहा है ना खाने की, तो उस वक्त और ज़्यादा वैरायटी हो जाता है। तो चलो कम कम बनाते हैं और खाते हैं बहुत अच्छे से मज़े से, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आई होप कि हमारा ये ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो, और देखिए कितना धुआं धुआं सा लग रहा है। और अच्छा लगे ना थोड़ा भी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आगे का वीडियो आप लोग इन्जॉय करिए। अब मेरा खाना देखिए मैं निकाल रही हूँ सबको देने के बाद, और फिर मेरा प्लेट भी आप देखिएगा। पेपा हो अभी तो तुम हल्क थे बेटा है? खाता है ना पेपा भी खाता है। चलिए खाइए आप। पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए मैम, नहीं तो सूखा सूखा लगेगा फिर। नहीं तो ना ये अंदर जाके फूलेगा ये अभी। बाबू तो जल रहे हैं। क्या बोले? हो गया। क्या गुस्सा आ रहा है? वैसे मत करो।